कल हमने आपको बताया था कि आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे कि अपने भक्त के लिए भगवान शिव ने काल को भी मार दिया। क्या कर दिया? काल को भी मार दिया। कल कहा था ना, तो आज आप ध्यान से सुनो, भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते। एक दिन आपने कथा सुनी थी मार्कंडेय ऋषि की, अल्प आयु मार्कंडेय को अमर कर दिया, चिरजीवी कर दिया, आपने सुनी पे। और आज हम एक श्वेत मुनि की कथा सुना रहे हैं। भगवान क्या नहीं करते? लोग कहते भगवान ने हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे भगवान तो देने को तैयार बैठे, तुम लेने के योग्य हो क्या? तुम्हारी पात्रता है क्या? तुम में वो पात्रता आनी चाहिए। जब तुम में वो पात्रता आ जाएगी तो भगवान अपना पद भी तुझे दे देते हैं। श्वेत मुनि ने महादेव की भक्ति से मृत्यु को भी जीत लिया था। अतएव परमेश्वर महादेव, शिवजी के प्रति आप लोग भक्ति परायण हो। समाप्त आयु वाले मतलब जिनका समय समाप्त हो चुका था, मृत्यु के कगार पर थे, वो श्वेत मुनि। श्वेत नामक एक श्री युक्त मुनि गिर की गुफा में शिवाराधना में रत थे। ये जो शिवाराधना हम यहाँ कर रहे हैं, शिव कथा यहाँ जो हम कर रहे हैं, सिर्फ बुद्धिजीव ही इसका, जो बुद्धिजीवी हैं वही इसका मोल और महत्व समझ पाएंगे। हर किसी के बस में इसको समझना नहीं है। हमारे ब्रज में कहते हैं मानो तो देव, ना तो पत्थर। जो मानते हैं ये शिवाराधना उन्हीं के घर में जाके असर करेगी। जिन्हें अपनी आत्मा पर भरोसा है, जिन्हें परमात्मा पर भरोसा है, जिन्हें शिव पर भरोसा है, जिन्हें सनातन पर भरोसा है, उनके घरों की सुरक्षा ये शिव कथा 1000% करे। जिनका जीवन समाप्त हो, समय समाप्त हो चुका था, वो ऋषि श्वेत मुनि एक गुफा में विराजमान होकर शिवाराधना में रत थे, व्यस्त थे, शिवाराधना में मग्न थे। नमस्ते रुद्र मन्यवे इत्यादि रुद्यात्म भक्ति पूर्वक महेश्वर की आराधना करने में लगे हुए थे। रुद्राध्याय इत्यादि में वो व्यस्त थे। श्वेत मुनि ने उन्हें प्रसन्न कर लिया था, महादेव को, अपने अनुष्ठान से, अपने मंत्रों से, अपने तप से, अपने प्रयास से प्रसन्न कर लिया था महादेव को उन्होंने। हे विप्रेंद्रो, तदनंतर दुजो में श्रेष्ठ श्वेत मुनि जो समाप्त आयु वाले जानकर काल उन्हें ले जाने के लिए पहुंचा, काल मुनि के पास पहुंचा और काल ने देखा कि इस मुनि का तो समय समाप्त हो गया है और देखो ये अभी भी कहां बिजी है, ये शिव पूजा में मगन है, ये शिव पूजा कर रहा है। सन्निकट पहुंच काल ने देखा त्रिनेत्र शिव का स्मरण करते हुए उस ऋषि को, आराधना करते हुए इस ऋषि को, श्वेत मुनि को देखकर काल कहने लगा, अब तुम क्या कर रहे हो? ये उनके मन में तो भाव था कि मैं शिव की आराधना कर रहा हूं, काल और मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा उसका मन भाव था। तो श्वेत मुनि, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, काल ने कहा। हे श्वेत, अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा अथवा जगदीश्वर, रुद्र भी अब तुमको मुझसे बचा नहीं सकते।
तुम्हें कोई नहीं मुझसे बचा सकता। भला कौन है जो मेरे द्वारा ग्रास बनाए गए जीव को बचा सका हो? मुझसे बचाने में कोई समर्थ नहीं है। हे विप्र, यह रुद्र पूजा मुझ शक्तिमान का क्या कर सकती है? जिस किसी को भी ले जाने के लिए मैं एक बार खड़ा हो गया, एक क्षण में उसे यमपुरी पहुंचा दिया, एक क्षण में, क्षण भर में यमलोक पहुंचा देता हूं। हे मुनि, क्योंकि तुम समाप्त आयु वाले हो चुके हो, अतः तुम्हें ले जाने के लिए मैं आया हूं। अब ये शिव पूजन इत्यादि तुम बंद करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। एक सेकंड कल्पना करो कि काल तुम्हारे सामने खड़ा है और तुमसे कह रहा है कि तुम भोजन करना बंद करो, जल पीना बंद करो। हे क्या तुम नौकरी पे जा रहे हो, चलो सब बंद करो, हमारे साथ चलो, क्या बीतेगी? कल्पना करो। है अभी कितना अच्छा लग रहा है ना संसार, अभी तो हम अट्टे कट्टे, हम ऐसे हम वैसे, अभी तो सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से काल आकर खड़ा हो जाए और कहे योर टाइम इज फिनिश नाउ रेडी, चलो क्या होगा फिर? हमारे ब्रिज में रसिया गाते हैं, मैं तो बीच में भजन नहीं गाए, अभी भी नहीं गाऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ रसिया कितना अच्छा है, बा दिन की शुद्ध कर प्राणी, जा दिन ले चले हो, जा दिन ले चले हो, जा दिन ले चले हो, वा दिन की शुद्ध कर प्राणी। भूले बैठे तभी तो पाप करते हैं। एक भगवान ही है जो एनी हाउ आपकी सहायता करने के लिए तैयार बैठा है, और उस भगवान से आपका हित नहीं, प्रेम नहीं है, वही भगवान तुम्हारा साथ देगा। बहुत से लोग तो दुखी हैं, हमारा काम नहीं चल रहा है, और बहुत से लोग सुखी हैं, काम नहीं चल रहा है इसलिए मेरा नाम चल रहा है, भगवान का नाम जप रहा हूं मैं, मुझे पहले काम से समय नहीं मिलता था, अब मेरे ठाकुर ने मुझे भजन करने का मौका दे दिया। कितने लोग खुश हैं, काम कर करके भी बुढ़ापे में मर गए, और मर गए तो घर वालों ने कह दिया कि हम नहीं जलाने आएंगे, तुम अपने आप व्यवस्था कर लो। एक बात बताएं, समझदार वही है जो दूसरों से सीख ले, खुद गलती ना करे, क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तो उतना समय तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। दूसरों की गलती से सीख लो। शायद कुछ एग्जाम्पल ऐसे भयानक एग्जाम्पल हमारे सामने इसलिए आ गए जिनसे हम ये सीख लें कि हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है, कोई हमारा नहीं है। गोविंद नाम स्मरण करो, प्रभु का नाम स्मरण करो, वही हमारा है, बाकी सब मिथ्या है। बोलो राधे राधे। उन मुनि ने, श्वेत मुनि ने जब काल को देखा, काल को देखकर वो भयभीत हो गए। उस काल का वो धर्म मिश्रित भयावह वचन सुनकर मुनिवर श्वेत हा रुद्र हा रुद्र हा रुद्र, क्या कह रहे हैं, हा रुद्र हा रुद्र हा रुद्र, यूं कहते कहते लिपट गए भगवान शिव के उस लिंग से, भगवान के विग्रह से लिपट गए श्रुत मुनि श्वेत मुनि। विलाप करने लगे, अश्रुपूरित तथा व्याकुल नेत्रों से वे कातर दृष्टि से शिवलिंग को निहारते हुए अत्यंत व्यथित चित होकर उस काल से भी कहने लगे, हे काल, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? देखो कितना विश्वास होगा उस समय भी भगवान शिव पर। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, क्योंकि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले
हमारे स्वामी बृषभध्वज शंकर रुद्र इस लिंग में विराजमान है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो राधे राधे। मैं तुमसे डरने वाला नहीं, विधि का विधान शिवजी के प्रति अतिशय भक्ति रखने वाले मुझ सदृश महात्माओं का क्या कर सकते हो। अतएव महाबाहो, आप जिस प्रकार यहां पर आए थे उसी प्रकार यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, तुमको खाली हाथ जाना पड़ेगा। तदनंतर श्वेत मुनि का वैसा वचन सुनकर हाथ में पास धारण किए तीक्ष्ण डाड़ों वाले भयंकर कालने कुपित होकर सिंह के सदृश घोर गर्जना करते हुए तथा पास को बार बार फटकारते हुए, ऐसे होता ना जिसके हाथ में कोई शस्त्र हो बार बार उसे दिखाता है, आदि तो मुझसे डर, आधे शस्त्र से डर। कमजोर आदमी भी हाथ में शस्त्र लेके दिखाता है ना, बैंक लूट ले जाता है, हैंड्स अप, हाथ खड़े कर लो। और उससे मोटे मोटे आदमी बैंक में खड़े रहते हैं, मोटे मोटे आदमी बैंक में कुर्सी पे बैठे रहते हैं, और छोटा सा वो इतना सा हथियार दिखाते हैं, हैंड्स अप, उसको दिखाता क्यों? वो उसे वो इसलिए नहीं दिखाता कि वो गोली मार रहा है तुम्हें, वो इसलिए दिखाता है जिसे भय व्याप्त कर सके, डरा सके, वो इसलिए वो दिखाता है। तो काल भी बार बार फास को, उसके हाथ में जो फास था काल फास, उसे बार बार फटकार रहा है, और फटकारते हुए कहता है तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऋषि, यमलोक ले जाने के निमित्त मैंने तुम्हें बांध लिया है, उसमें बांध लिया था पास में, मैंने तुम्हें बांध लिया है, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम जिन पर भरोसा करते हो वो देवाधिदेव महादेव मुझे कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, कहां है? जिन महादेव की तुम इतनी आराधना कर रहे थे वो महादेव कहां है? मुझे कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, मुझे तो लगता नहीं कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे भी, तुम यों ही व्यर्थ उन पर भरोसा करते हो, तुम्हारी वो क्या सहायता करेंगे? कहां है सेव, कहां है तुम्हारी भक्ति तथा पूजा, कहां पूजा का फल कहां है? मेरा भय श्वेत, अब तुम मेरे द्वारा बांध दिए गए हो। हे श्वेत, तुम्हारा महेश्वर रुद्र जो इस लिंग में स्थित है वह महादेव निश्चेष्ट है, फिर तुम उस महेश्वर की पूजा ही क्यों करते हो? देखो, हमारे घरों में भी जब कोई तकलीफ हो किसी भक्त के यहाँ, और वो भक्ति हम लोग करते हैं और थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, तो घर वाले सबसे पहले ताना क्या देते हैं, अब कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ गया तुम्हारा भगवान? ये भक्तों को बहुत सुनना पड़ता है, अगर तुम्हारा भगवान था तो ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारा भगवान अगर सच्चा है तो भगवान ने आके ऐसा किया क्यों नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, क्या उस लेवल का हमारा भरोसा भी है जिसके सामने काल खड़ा हो और काल ने जिसे पास में बांध लिया हो उसके बाद भी कहता हो कि मेरा शिव मेरी रक्षा करेगा? इतना दृढ़ विश्वास जिसमें हो, और वो कह रहा है तुम्हारा शिव कहां है? चेतनाहीन है, जैसे ये पत्थर है वैसे तुम्हारा शिव दिखाई नहीं पड़ता, कहां है? तत्पश्चात मुनि के प्राण हरने के निमित्त आए हुए काल का संहार करने के लिए कामदेव के शत्रु दक्ष यज्ञ के विध्वंसक तथा त्रिनेत्रधारी सदाशिव महादेव शंकर अपने नंदी गणेश्वर और पार्वती सहित मुस्कुराते हुए शीघ्रता पूर्वक शिवलिंग से ही साक्षात प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के संग नंदी के सहित उस लिंग में से ही प्रकट हो गए, शिवलिंग में से प्रकट हो गए। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, जब काल ने भगवान शिव का दर्शन किया, शिव जी को देखते ही उसी क्षण भय के कारण वह बलवान काल श्वेत मुनि के पास ही शीघ्र गिर पड़ा और वो निष्प्राण हो गया।
भगवान ने कुछ नहीं कहा, भोलेनाथ ने त्रिशूल नहीं उठाया, भगवान ने डमरू भी नहीं बजाया, भोलेनाथ ने वहां कुछ किया ही नहीं। सिर्फ भगवान को उस लिंग में से प्रकट होते ही देखकर वो काल मुनि के ही पास मीन्स उनके चरणों की तरफ ही गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया। ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ को देखते ही उसे हार्ट अटैक आ गया हो, आ ही गया होगा हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक नहीं आता तो निष्प्राण कैसे होता, वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गए। काल का अंत करने वाले शिवजी को देखकर जोर से चिल्लाया, उत्तम विप्रो मृत प्राय उस काल की शिवजी ने अपने कृपा लोक से जीवन का प्रदान, कैसे उनको जीवन काल को दोबारा दिया वो भी सुनो। जब वो निष्प्राण हो गया तो उस समय तत्पश्चात शिलाद के पुत्र तथा शिवजी के अनुचर गणेश्वर नंदी जी के काल को मरा हुआ देखकर अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने अविनाशी महेश्वर शिव को प्रणाम कर उनसे कहा कि यह अल्प बुद्धि काल मर चुका है, अब आप इस काल को और मुनि दोनों पर अनुग्रह कीजिए। मतलब अकेले मुनि को ही मत बचाइए, काल को भी बचाइए, काल को ही नहीं बचाइए मुनि को भी बचाइए, आपकी कृपा से ही ये दोनों जीवित होंगे। तत्पश्चात श्रवण क्षण भर में ही मृत होकर पृथ्वी पर गिरे काल को देखकर उसके तथा द्विज श्रेष्ठ श्वेत दोनों को ऊपर अनुग्रह करके भगवान शंकर तत्काल वहां से अंतर ध्यान हो गए, उसी शिवलिंग में प्रवेश करके। बोलो शंकर भगवान की।